तो गाइस अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपके लिए ईवीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स की डिमांड थी कि ईवीएस के जो नोट्स हैं वो लेके आएं, क्योंकि अभी केवीएस में भी ईवीएस पूछी जा रही है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से ईवीएस करें। तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, इसके बाद जो सीटेट के नोट्स हैं, उनसे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मतलब उनका एक निचोड़ बनाया है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस तरह की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ईवीएस आपको यहाँ पे पूरी मिलेगी और एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा करा दूँ। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपने क्वेश्चन सुना भी होगा, वल्लम। तो दोस्तों वल्लम होता क्या है? ये लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है और इसको केरल में क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। मतलब लकड़ी की बनी छोटी नाव को केरल में क्या बोलते हैं? वल्लम बोलते हैं। आप ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, खिजड़ी जो एक पेड़ है उससे जुड़ा हुआ, और ये क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। तो इससे जुड़े हुए काफी पॉइंट्स हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। तो दोस्तों खिजड़ी का जो पेड़ है, खिजड़ी का जो पेड़ है वो रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि खिजड़ी का पेड़ इनमें से किस जगह पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में या मतलब जो भी नॉर्मल एरिया है उसमें? तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें क्या है? रेगिस्तानी इलाके में। तो खिजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। इसके पेड़ की छाल से, जो ये पेड़ है इसकी छाल से क्या बनती है? दवा बनती है। इसकी जो पेड़ की छाल है किस काम आती है? दवा बनाने के काम आती है। इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, जो ये पेड़ है इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, और इसकी जो लकड़ी है उसमें कीड़े भी नहीं लगते। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, खिजड़ी का जो पेड़ है रेगिस्तानी इलाके में मिलता है, जो इसके पेड़ है उसकी छाल से दवा बनती है, इसे अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। ये तो आप समझ गए होंगे, रेगिस्तानी जो पेड़ होते हैं उनको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसकी एक क्वालिटी और है कि इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते। आप ये नोट कर लें, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे आप देख लीजिए, जो जीव दूसरों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। मतलब ऐसे जीव जो दूसरों को मारे बिना उनसे भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम परजीवी बोलते हैं। जैसे आपका हो गया जू, जो जू होती है वो सिर में हो गई, सपोज करो तो किसी के बालों में जू है तो क्या वो उससे मार देती है? नहीं, लेकिन उससे भोजन जरूर बनाती है। तो जो जीव दूसरों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, जैसे जू। इसके बाद है, घर में गड्ढा खोदकर बारिश के पानी को इकट्ठा करने की जगह को क्या बोलते हैं? टांका बोलते हैं। मतलब घर में गड्ढा खोद लेते हैं बहुत सारे लोग, और जो बारिश का पानी होता है उसे वो इकट्ठा करते हैं, मतलब एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां पे बारिश के पानी को इकट्ठा करें। और खासतौर पर किस जगह होता है? जहां पे पानी की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? बारिश के पानी को स्टोर करते हैं। तो घर में जो गड्ढा खोद के बारिश के पानी को इकट्ठा करने की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? हम टांका बोलते हैं। अब ध्यान रखें, टांका क्या होता है? घर में गड्ढा खोदकर बारिश के पानी को इकट्ठा करने की जगह को क्या बोलते हैं? टांका बोलते हैं। इसके बाद तो अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन है कि बर्फ के घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, सीटेट की अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो उसमें ही क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है कि बर्फ के घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। इसके बाद एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते व झाड़ियां
खा लेता है। मतलब एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन के अंदर 100 किलो से ज्यादा पत्ते व झाड़ियां खा लेता है। हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी कितने घंटे सोता है, 2 से या 4 घंटे ही हाथी सोता है। और ध्यान रहे 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो कितना हो जाता है, 200 किलो तक हो जाता है। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन 200 किलो तक हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते व झाड़ियां खा लेता है। मतलब 100 किलो से ज्यादा वो खा लेता है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। मतलब 3 महीने के जो हाथी है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम तक होता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल क्या है, श्रीनगर है। जो जम्मू कश्मीर है इसकी समर कैपिटल क्या है, श्रीनगर है। और विंटर कैपिटल क्या है, जम्मू है। समर कैपिटल तो श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू है। ये शायद आपको ना पता हो तो आप ये ध्यान रखें। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे आया नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया, 1% आ जाए, क्योंकि आपको पता है केवीएस का लेवल थोड़ा मतलब टफ रहने वाला है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा बिल्कुल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने व्यूज जरूर दें, लाइक का जो काला बटन है नीला करके जरूर जाएं। और अपने जो विचार हैं कि क्या ये सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, तो अपने व्यूज जरूर दें। तो गाइस गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।